फिर आज भाई 23 मॉडल भाई का पहले मिलने आए थे, आपने वीडियोस में देखा होगा, बाकी ये अपना 18 रहा। एक सीन दिखाते हैं लोगों ने कहा अरे मैं उठा मैं देख रही थी कोई भी है ताजा और नेट हो रहा है वो पीस गिर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब भाइयों का। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे। और आप सबका वेलकम करता हूँ एक बार फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। बाकी आज आपका भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि सुबह सुबह एक टीका लग गया मुझे, और ये है कि बाइक निकालने लगा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, चकवाल जा रहा था, देख सकते हैं बैग वगैरह पहना हुआ है। तो अभी एक सीन हो गया है, आपको भी दिखाते हैं, बाइक के साथ एक मसला आ गया छोटा सा, तो इंशाल्लाह वो सेट तो हो जाएगा, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं उसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बाइक धो के मैंने खड़ा किया था, कल रात को बारिश ही बहुत हुई है, तो अभी निकालने लगे हम लोग के चक्कर में। तो अभी आपको एक सीन दिखाते हैं जो हो गया मेरे साथ। अभी मैं उठाऊँ मैंने देखा ये देखिए ऑयल डलवाया, ताज़ा ऑयल नया डलवाया था, वो कहीं से गिर रहा है और ये पता नहीं कहाँ से गिर रहा है नीचे से। तो अभी सुबह सुबह एक मसला बन गया, बाकी यहाँ पर अंधेरा है, बाइक बाहर निकालते हैं। और पता नहीं अभी ये क्या मसला आ गया, ये कि जाके दिखाते हैं बुलवा भाई को, इतना कोई बड़ा मसला नहीं होना इंशाल्लाह, उम्मीद है हल हो जाएगा। और इसके अलावा एक भाई मिलने आए हुए हैं ढुड़ियाल से, तो उनको भी जाके मिलने हैं, उन्होंने मेरे से रब्ता किया हुआ था, पहले मुझसे मिलने आए हुए थे एक बार जब मेरे 700 सब्सक्राइबर थे, आज अल्लाह का शुक्र 3000 हो गए हैं, तो आज ही भाई मिलने आए हैं, तो उनसे जाके मुलाकात भी करते हैं। तो अभी मैं बाइक को बाहर निकालूँ, फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई और मज़ीद मसला तो नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है छोटा मोटा मसला होगा हल हो जाएगा। तो बाइक को बाहर निकालते हैं उसके बाद अगले सीन देखते हैं। तो बाइक निकाल दिया जी बाहर, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं चकवाल तरफ, जाके कोई और काम करवाना था, दिल तक कोई चेनिंग करनी थी, लेकिन फिलहाल अभी ये पहले जो मसला निकल रहा है उसको हल करते हैं, उसके बाद अगले सीन देखेंगे। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि लास्ट वो मैंने बाइक धो के खड़ा किया था बिल्कुल साफ करके, और ये कल बड़ी शदीद बारिश हुई है, कल पूरा दिन बारिश लगी रही है, इसकी वजह से रोड भी गंदे हुए हैं, लेकिन अभी अलग ही है, सुबह के 11 बज रहे हैं, दोपहर के 11, और धूप वगैरह निकल आई है, और जाके देखते हैं अभी रोड अल्लाह करे रोड साफ होने तो बाइक गंदा हो जाना है। A few minutes later. तो भाइयों आ गए हैं चकवाल, और अभी आपको भाई से मिलवाते हैं जिनसे मीट मिलना था, और ये है कि वो बाइक वगैरह अपना लेके आए हुए हैं, और उनका बाइक भी आपको दिखाते हैं, 23 मॉडल है, काफ़ी साफ भाई ने रखा हुआ है, और जब कल ये अभी तक 909 किलोमीटर चलाया है, मेरे साथ लिया था तकरीबन उन्होंने, और जब मैंने 23 निकलवाया था, तो अभी तक इनका तकरीबन 909 चला है, चलाते ही नहीं है, तो महीने महीने बाद निकालते हैं। फिर आज भाई 23 मॉडल भाई का पहले मिलने आए थे, आपने वीडियोज़ में देखा होगा, बाकी ये अपना 18 रहा। और अभी बाइक और है काम से हमें करवाना है, तो देखें क्या बनता है, और फिर अपना जो मसला है वो बाइक का वो भी हल करवाते हैं। अभी आपको साउंड चेक करवाते हैं इस बाइक का भी, माशाल्लाह भाई ने काफ़ी बाइक संभाल के रखा हुआ है, निकालते ही नहीं है, महीने महीने बाद निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो आज जैसे कि 2 दिन के बाद फिर मैं बुलवा भाई के पास आया हूँ, लास्ट टाइम वो भाई आ गए थे, फिर थोड़ा काम वगैरह था बाइक का, तो इसलिए फिर अपने भाई काम नहीं करवाया था, वापस चले गए थे गाँव क्योंकि लेट हो गए थे, तो आज बाइक की जो सीलें ख़राब हुई हैं वो चेंज करने लगे हैं। तो अभी अब्दुल्हाब भाई ने बाइक खड़ा कर दी है, और उनकी सीलें पड़ी हुई हैं उनके पास ईरानी हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं कौन सी सील लीक है, मैगनेट टापे वाली सील लीक हुई है अब्दुल्हाब भाई बोल रहे हैं, वो भी आपको चेक करवाते हैं। तो ये जो सीन है इसकी मैगनेट टापे वाली, ये लीक हुई भी है नीचे से, जिसकी वजह से ऑयल उधर भी जा रहा है, जब बाइक नीचे की तरफ सिंगल स्टैंड पे खड़ा होता है, जब उसको डबल पे करते हैं तो यहाँ से ऑयल उस तरफ चले जाता है, तो ये सील इसकी जो लीक है मैगनेट टापे वाली, ये वाली इसको भी चेंज करेंगे, और आपको दिखाते हैं कि सील डालनी कौन सी। बाकी माशाल्लाह भाई को चेक करें भाइयों, और ये अब्दुल्हाब भाई आ गए, इंतजार कर लें।
अभी मैग्नेट टापा खोलते हैं और आपको चेक करवाते हैं कौन सी सील है। तो अभी आपको चेक करवाते हैं कि लीली के जो मैग्नेट वाली सील, ये आप चेक कर सकते हैं मैग्नेट वाली जगह पे ऑयल आया हुआ है इसके अंदर। अब्दुल्लाह बहन जी है जी ओके, चीज़ ली गई मैगनेट वाला छल्ला, मैगनेट वाली सील तो केम वाला छल्ला, केम वाला छल्ला तो मैगनेट वाली सील। अभी इसको चेंज करने लगे हैं, बाकी ये तक का साफ, ये साफ हो जाएगा। अब ओके चल रहा है, इंजन बाकी सेट है, वी आई पी है का ओके भाई जान। बाकी माशाल्लाह मैं कहता हूँ भाई के भाई को देख के इतना कुछ सुकून मिल रहा है, साफ सुथरा खड़ा हुआ है। बाकी अब्दुल्लाह भाई का भी ये मर्जी से रहा है, बाकी भाई वी आई पी है। अब्दुल्लाह भाई ऐसा कमेंट तक कमेंट करो, थैंक यू नहीं थैंक यू थैंक यू, ये चीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अब्दुल्लाह भाई इसका मैगनेट खोलने लगे हैं, उसके बाद इसकी सील चेंज होगी, उसके बाद काम पक्का होगा। मेहरबानी मेहरबानी, काम मुख हो गया था यार। अभी मैंने डबल होना माशाल्लाह, काम सही है साहब। और सब एक ही चीज होती है, ऑयल कड़ा ओरिजिनल। कितना बदलाई इसका? बदलाया अभी जाने पड़ा नहीं, जाने पड़ा नहीं। हाँ हाँ, ये आप चेक कर सकते हैं ऑयल इसके अंदर आया हुआ है, जो ऑयल बाहर गिरता रहता है यहाँ से, और ये जो सील लीक है इसकी वजह से ऑयल पूरे मैगनेट कड़े के अंदर आया हुआ है। अभी अब्दुल्लाह भाई दुख देने लगे हैं, फ्यूल निकाल के इसको साफ करने लगे हैं। बहुत मोटा दुख है यार, पहले पूरा नहीं होना, तुझे काट लेंगे भाई जान। तक यहां का जिगरा ही जिगरा मोटरसाइकिल। हां मंट भाई रखना सोखा यार। हां भाई मेरा बस करो, मैं ग्राम वापस लाना है भाई जान, मैं इतना पूरा करना गण का हम जाएंगे, बच्चा तो वापस पा दे सब रहा हूं। पहले रिजाफ लग गया यार, कौन मसला तलाक ऑन द निकल नहीं कोई का ना प्या ऑन प्या ना रिजाफ अपने मोटरसाइकिल की दौड़ा था थोड़ा ज्यादा कटे, इसको साफ कर रहे हैं। ताकि लगाने से पहले सारे पुर्जे साफ हो जाए। Inside my own world of make-believe, kids scream. गेम वाले छल्ले कहते हैं क्या, ये डालने हैं, ये ईरानी है, और ये केड़ी है तो आप की चाहिए? ARS जापान, ARS जापान दी है। के शेव है? मैग्नेट सील। ये मैग्नेट सील है और ये छल्ले हैं, ये जापान के हैं और ये ईरानी है। और पहले भी मैंने डलवाए थे किसी बाइक में, ये वाले बड़े ज़बरदस्त चलते रहे हैं, जब गर्म होते हैं बिल्कुल ऐसे फूल जाते हैं, जब बाइक ठंड होता है वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। रबर है अब्दुल्लाह भाई बोल रहे हैं ये भी लीक है, तो इसको निकाल के चेंज करते हैं, चेक करो जी लीक हुई है जी, लीक है अंदर से आर्ट हो गया। ये तो ये अब्दुल्लाह भाई न्यू सेल सील ले आए हैं, गियर वाली गियर लीवर वाली, ये जो पुरानी है ये लीक हुई हुई है। अब्दुल्लाह तो ये नवा में कहा तो ये पुरानी पाड़ लगे हैं, ये चेक कर दो, ये खराब हुई हुई है। चेक कर सकते हैं आप डर की सीन से न्यू है हमारी, तो सीलें वगैरह लगा दी हैं। अब्दुल्लाह भाई ने मैग्नेट आपा वापस लगा दिए, बाइक तो काम बिल्कुल ओके हो गए। अभी अब्दुल्लाह भाई बोल रहे हैं यूरो लगा हुआ है इसकी, इसके अंदर मिट्टी वगैरह होगी तो इसको साफ कर लो, इससे साउंड वगैरह ज़बरदस्त हो जाएगा और ये कि एवरेज भी अच्छी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं इसको भी साफ़ करना है कि नहीं करना, और अब्दुल्लाह भाई बोल रहे हैं साउंड एक तरफ हो जाएगा। तो बाइक का काम हो गया जी मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया। अभी अब्दुल्लाह भाई गए थे चक्कर लगाने पे बाइक पे कि मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी अब्दुल्लाह भाई आ गए हैं और सिंगल स्टैंड पे बाहर खड़ा किया हुआ था,
अब इसको डबल पे किया है चेक करने के लिए कोई ऑयल गिरा रहा है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। गिरा रहा नहीं है, ये जो साफ है ये भी खुश्क होया हुआ है, बिल्कुल गिरा रहा नहीं है, ये आप चेक करें साफ सुथरा है भाई इस जगह से। बाकी वो जो लगा हुआ नीचे ये जो पुराना लगा हुआ है इसको साफ बाद में करेंगे, इस जगह आप चेक कर सकते हैं कि अभी कोई ऑयल नहीं है, इस जगह कोई ऑयल नहीं है। ओके भाई, ओके की रिपोर्ट है, ओके होगा भाई। A few minutes later. तो बाइक का काम करवा के वापस मैं घर आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक का जो काम था बिल्कुल ओके हो गया है। और ये है कि अभी मैंने बाइक आके सिंगल स्टैंड पे खड़ा किया है, गर्म भी था लेकिन कोई इस किस्म का ऑयल वगैरह नहीं गिरा रहा था। इंशाल्लाह रात को खड़ा करेंगे, सुबह तक पता चल जाएगा मज़ीद भी। और ये है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।